हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सेशन में हम लोग अलग अलग 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में आपको यूज में आ सकते हैं। ठीक है, आइए अपना क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या दिया हुआ है। इफ इफ वन नंबर इज 80% ऑफ द अदर, वन नंबर इज 80% of the other and sum of their square is 656, then the number r, ऐसा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा था। गाइज, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान कंसेप्ट है। अब थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको क्या लगता है, दो नंबर्स है जिनके स्क्वेयर का सम कितना है 656, पहला केस है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, वन नंबर इज 80% ऑफ अदर, वन नंबर इज 80% ऑफ अदर। गाइज मेरे को बताइए, 80% इज नथिंग बट 4/5 बनता है। 80% का मतलब क्या था, 4/5, इसका मतलब एक नंबर रहेगा 5, तो सेकंड नंबर कौन आएगा आपका 4। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ, मेरा एक नंबर आएगा 4x, सेकंड नंबर आएगा मेरा 5x। इस आपके जो दो नंबर है वो है 4x एंड 5x, चलेगा? यस। अब आप एक काम और कर सकते हो, यहां से आपको ये पता चलता है कि आपके दोनों नंबर के बीच में 4:5 का रेशियो बनता है। एंड ऑप्शंस को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑप्शन 1, 2, 3 हर जगह 4:5 का रेशियो बना हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने साथ में ये बोला था दोनों के स्क्वायर का टोटल कितना होना चाहिए था, 656। आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर 1 4 एंड 5 दिया हुआ है, सो 4² एंड 5² 656 बनता है, नहीं बनता, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा। 8 एंड 10 को चेक कर लीजिए, 8² 64, 10² 100, टोटल बनेगा 164, नॉट पॉसिबल, अगेन आंसर कैंसिल हो जाएगा। यस, थर्ड ऑप्शन आप चेक कर लो, 16² बनता है 256 एंड 20 का स्क्वायर बनता है 400, सो 400 एंड 256 कंबाइन कर लो, 656 बनता है। यस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 16 एंड 20, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7200 टू 8100, 7200 से 8100, गाइस कितना चेंज हुआ, सैलरी कितने से बढ़ी, जो सैलरी 7200 थी वो सैलरी 8100 हो गई, तो जो सैलरी है ये 900 रुपए से बढ़ गई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यस, कितने से बढ़ी, 900। आगे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में कितने परसेंट की ग्रोथ है, सैलरी कितने परसेंट से बढ़ी। अब इंक्रीज और डिक्रीज अगर फाइंड आउट करना है तो जो कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो बेस लेना पड़ेगा, ओरिजिनल सैलरी, एंड यहाँ पर इनिशियल सैलरी कितना था, 7200। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सैलरी बढ़ी है वो किस पर बढ़ी, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ी, बट किस पर बढ़ी, सैलरी किस पर बढ़ी आपकी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक सैलरी थी वो क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 7200, यानी 900 रुपए से आपकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन वो जो 900 रुपए से आपकी सैलरी बढ़ी वो किस पर बढ़ी, सैलरी तो 900 रुपए से बढ़ गई पर किस पर, 7200 पर, तो 7200 पर 900% के लगेगा इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड 900 अपॉन 7200 दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लो आप, देखो ये दो दो जीरो कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर भी सॉल्व किया, 9 1 9 9 8 72, तो 1/8 इज नथिंग बट बनता है 12.5%, जो यहाँ पर दिया हुआ आपको 12 1/2%, तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा आपका, 12.5%, चलेगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ आपको, थर्ड क्वेश्चन, एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी, क्या दिया हुआ है, एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी इज मोर देन एज सैलरी, ऐसा बोलता। अगेन बच्चों अपने काम कर सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब क्या था, 1/5, और आपको क्या बोला था, एज सैलरी इज 20% लेस देन बी। आपको सॉल्व करने के दो तरीका, हर क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, इधर फ्रैक्शन को यूज कर सकते हो, अदरवाइज परसेंट है तो साथ में 100 भी आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1/5 मैंने फ्रैक्शन यूज किया, तो 1/5 का मतलब होता है 1/5, 5 पर 1 कम, इसका मतलब
ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू क्या आएगा 5, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला इज सैलरी इज 20% लेस देन बी, तो बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी रहेगी 4, 4 5 पर 1 कम, बराबर। आगे देन बीज सैलरी इज मोर देन एज सैलरी बाय, पूछा क्या था बीज सैलरी इज मोर देन एज सैलरी, बी का सैलरी ए की सैलरी से कितना ज्यादा है, तो बी का सैलरी है 5, ए का सैलरी है 4, तो बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, बराबर ना, तो बी की सैलरी कितनी है 5, तो 5 4 से कितना ज्यादा है 1, कंपेयर टू ए, ए कितना है 4, तो आएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 25%, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25%, क्लियर। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, इफ इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज, कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर इस खर्चा चेंज नहीं करना है तो आप कंजम्पशन चेंज कर लीजिए, यस और नो, अगर आपका एक्सपेंसेस आपको फिक्स रखना है, रेट बढ़ गए प्राइस बढ़ गई बट एक्सपेंसेस चेंज नहीं करना है तो कंजम्पशन कम करना है, कितना कम करना है? देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बना, तो ध्यान देख से देखो, एज्यूम कर लेते हैं पेट्रोल का रेट है 100 रुपीज पर लीटर, ये होगा करंट रेट आपका, एंड न्यू रेट प्राइस इंक्रीज बाय 20% बोला है तो न्यू रेट हो जाएगा 120 रुपीज पर लीटर। अब अगर मान लो गाइस देखो सोचो कि मैं एट प्रेजेंट केस में 1 लीटर पेट्रोल रोज खरीदता हूँ, इसका मतलब मैं 100 रुपए का पेट्रोल खरीदता हूँ, अब रेट 120 होगा तो मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदू तो मेरे को 120 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, बट मेरी कंडीशन क्या है, मेरे को एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं करना है तो मैं 1 लीटर पेट्रोल ले सकता क्या, नहीं, क्योंकि मैंने अगर 1 लीटर पेट्रोल खरीदा तो मेरे को 120 रुपए देना पड़ेगा एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज करना ये मेरे लिए अलाउड नहीं है, तो मेरे को एक्सपेंसेस 100 का ही करना है, इसका मतलब मैं पूरा 1 लीटर 120 रुपए का पेट्रोल नहीं ले सकता, तो मेरे को पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, कितने का, तो 20 रुपीज का कम, क्योंकि 1 लीटर लो तो 120 देना पड़ेगा, मेरे को 100 ही देना है, इसका मतलब 20 रुपए का पेट्रोल कमाएगा, और ये 20 का पेट्रोल किसमें से कमाएगा, 1 लीटर यानी 120 में से, यानी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आउट ऑफ 120 20 रुपीज का पेट्रोल आप कम लीजिए, यानी 20/120 आपका आंसर बनता है, एंड 20/120 इज नथिंग बट 1/6, और 1/6 का वैल्यू बनता है 16 2/3%, ऑप्शन नंबर 1 ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, देन अगेन द प्राइस इंक्रीज बाय 10%, हाउ मच इज इंक्रीज इन टोटल प्राइस, बहुत आसान है, कुछ नहीं, ओरिजिनल प्राइस कितना था आपका 100, पहले 10% बढ़ाया, 10 बढ़ गए 110, अगेन 10% इंक्रीज करना है तो 110 का 10% 10 तो हो गया 11, 110 का 10% 11 होता है 121, सो 100 का 121 हुआ, इसका मतलब कितना चेंज हुआ 21%, ठीक है, हाउ मच इज इंक्रीज इन टोटल प्राइस, पूछा क्या था, इंक्रीज प्राइस नहीं पूछा, हाउ मच इज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, तो आंसर आएगा 21, एंड अगर वहां पूछा था व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, तो आंसर आता 121, बट पूछा क्या था इंक्रीज इन प्राइस, तो आंसर बनेगा 21। नेक्स्ट नंबर 6, अ एजेंट सेल गुड्स ऑफ वैल्यू, अ एजेंट सेल गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का माल बेचा उसने, ठीक है, आगे द कमीशन विच ही रिसीव्स इज 12/2%, कमीशन कितना है 12/2%, इज व्हाट अमाउंट, तो उसका कमीशन कितना बनेगा, यानी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको 12.5% ऑफ 15,000 फाइंड आउट करना है, 12.5% ऑफ 15,000 ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर 1, 12.5% यानी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, सिंपल है, 0000 कैंसल, 12.5 टू 15 हाफ एंड डबल कर लेते हैं, 12.5 का डबल, याद है ना मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन करते समय व्हेनेवर
किसी भी दो नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक नंबर का हाफ और एक का डबल अगर आप करते हो तो कोई आंसर चेंज होता नहीं है। तो 12.5 का डबल बनता है 25 और 150 का हाफ, इसका तो डबल कर दिया ना, तो 150 का हाफ बनेगा 75। सो 25 इंटू 75 कर लीजिए एंड 25 इंटू 75 अगर आप कर लेते हो तो आंसर बनता है 1875। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1875 यह आगे आपका आंसर कहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹5,000 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज बाय 30% देन व्हाट इज हिज मंथली इनकम, नो ऐसा पूछा। बहुत आसान सा कांसेप्ट था, ₹5,000 उसका इनकम था एंड इनकम इंक्रीज बाय 30% बोला था, इंक्रीज बाय 30%, तो आप इनकम को 30% से बढ़ा दीजिए। सो 5000 का 30% 5 3 15, ₹1500 इसमें आप बढ़ा दो, आंसर बनेगा 6500। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज 15000, प्राइस कितना है 15000 है, बट ड्यू टू स्लंप, स्लंप है डिक्रीज, ड्यू टू स्लंप इन द मार्केट इट्स प्राइस डिक्रीज बाय 8%, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का न्यू प्राइस क्या है। बच्चों बहुत आसान है, ओरिजिनल प्राइस था 15,000, ये प्राइस कम कितने से हुआ, प्राइस डिक्रीज बाय 8% बोला था, डिक्रीज बाय 8, तो आपको क्या करना है 15,000 का 8% उसमें से माइनस करना है। सो नाउ 15,000 का 8% कितना होता है, 15,000 का 8% कितना, सो 15,000 का 8%, 15,000 का 8, तो देखो ये 15,000, इसका एक जीरो गया तो 10% बचता है और एक जीरो गया तो 1% बचता है, यानी 1% की कीमत हो गई 150, चाहिए कितना परसेंट 8, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 8 120 कितना आएगा 1200, तो सिंपली यहाँ से आप 1200 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 13,800, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, 20% ऑफ हिज मनी, ये लॉस है 20%, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही स्पेंड फॉर ही हैज 480 लेफ्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज 480 लेफ्ट एंड उसका 20% का लॉस है, देन जो वैल्यू बचा था उसमें से 25% उसने खर्चा कर दिया, उसके बाद 480 बचा हुआ है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। बच्चों दो अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो एज्यूम करो ओरिजिनल वैल्यू एक्स, इसमें से 20% लॉस तो बचा 80%, एंड एक्स का 80% आपके पास बचा हुआ है एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, ये जो बचा था इसका 25% फिर खर्चा कर दिया, अब अगर इसका 25% खर्चा कर दिया तो इसका 75% आपके पास बचा हुआ है एंड ये जो बैलेंस बचा हुआ है इज इक्वल टू 480, ऐसा क्वेश्चन दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं करना है तो आप एक कम और कर सकते हो, परसेंट वाला कंसेप्ट चल रहा है, एज्यूम कर लीजिए टोटल 100 है, 100 में से 20% लॉस बोला था माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग वैल्यू इज 80% एंड आउट ऑफ दैट 80% आपको क्या बोला था 25% ऑफ द रिमाइंडर, सो 25% इज नथिंग बट हाफ का हाफ, सो 80 में से उसके हाफ का हाफ माइनस कर लीजिए एंड 80 के हाफ का हाफ बनता है 20, माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 60 एंड दैट 60% इक्वल टू 480, सो टोटल 100% इज इक्वल टू हाउ मच, आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी देखो ये 0 0 में कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये रेशियो पैटर्न 6 का 48 8 टाइम्स हुआ, यहाँ पर भी अगर मैं एक जीरो निकाल दूँ तो इसका 8 टाइम्स क्या आ जाएगा 80, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 800, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए कहाँ पर है क्या 800, नहीं है, तो आंसर आएगा इसका नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10। 15% ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 1000 इज, ओरली करना है तो भी कर सकते हो, लिखना है तो भी लिख सकते हो, जितना टाइम लिखने में लगता है, देखो मैं लिख देता हूँ लेकिन बच्चों जितना टाइम लिखने में लगता है ना उतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लिख के देख लो,
15% को ऐसा लिखना पड़ेगा ऑफ एन इन टू 10% ऑफ 20% ऑफ 1000। बच्चों ये नहीं करते तो मेरे को बताइए, आपको यह बोला था कितना परसेंट 20, तो हम लोगों ने बेसिक परसेंटेज में डिस्कस किया था, जीरो निकाल के डबल कर दो 20% बनता है, तो 1000 है, इसका 20% जीरो गया, बचा 10, इसका डबल कर दिया आपने आगे 200। फिर उसने क्या बोला, 200 का 10%, अब 200 का 10% बोल दूं तो आता है 20, एंड 20 का 15% बोल दूं, 15% ऑफ 20, तो वो बनता है 3। मेरा क्वेश्चन सॉल्व, आप इसको सॉल्व कर लो तो भी चलेगा, ओरली सॉल्व किया तो भी चलेगा, बोथ द केसेस में आंसर क्या बनेगा आपका 3। नेक्स्ट 11, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 120% एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 350%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 11/27। ऐसा क्वेश्चन है आपका, वॉट वॉज द फ्रैक्शन। बहुत आसान कंसेप्ट है, मेरे को बताइए, अगर सपोज मैंने किसी नंबर, सपोज एग्जाम्पल हम 100 बेस लेता हूँ, 100 का 110 110 कर दिया तो आप क्या बोलते हो, 10% इंक्रीज है। 100 का 140 कर दिया, अपन बोलते 40% इंक्रीज है। 100 का 175 कर देता हूँ, आप बोलते हो 75% इंक्रीज है। सो 100 का 200 कर दिया, आप बोलोगे 100% इंक्रीज है। बट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंक्रीज बाय 120%। देखो मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, 100x अपॉन 100y, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y है, 100 से मैंने परसेंटेज ले साथ में रखा, वो दोनों 100 कैंसिल कर दूं तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अब बच्चों मेरे को बताइए, मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू 100x है, न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर 100x है, इसको मेरे को 120% बढ़ाना है, सो 100 का 120% 120x बनेगा और वो इंक्रीज करना है, तो 100 प्लस 120 इट बिकम्स 220x। इन द सेम वे डिनोमिनेटर मेरे को बढ़ाना कितने से, 350% से, सो 100 का 350% 350 ही बनता है, सो 100 में 350 ऐड कर दूं ये बन जाएगा 450y इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू फ्रैक्शन कितना बताया आपको 11/27, इसको सॉल्व करके x अपॉन y की वैल्यू चाहिए मेरे को। सो देखिए सिंपल सा एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 11/27 इंटू ये 450 जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे था उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा एंड ऊपर का जो 22 था वो नीचे आएगा, ये 0 0 है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगेन 11 से डिवाइड किया इधर 2 आएगा, 9 से 27 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 3 जा इधर आएगा, 9 5 जा, तो आंसर बनेगा 5/6। कहाँ पर आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। सेम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था नंबर 11 का सेम पैटर्न, इसने क्या बोला 40% ऑफ अ नंबर, गाइस 40% इज नथिंग बट अपन इसको 2/5 भी बोल सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, 2/5 ऑफ अ नंबर, नंबर इज एक्स, इज इक्वल टू 2/3, दैट इज 2/3 ऑफ अनदर नंबर वाई, और अपने क्या बोला था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड, एक्स अपॉन वाई का रेशियो चाहिए आपको, सो देखो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ये 2/3, और ये जो 2/5 यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर दूं 2/5 को, तो हो जाएगा इन टू 5/2, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा 5/3 इज इक्वल टू 5:3, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, क्लियर। यस, नेक्स्ट नंबर 13, बैटमैन स्कोर 110 रन, बैटमैन स्कोर 110 110 रन, विच इंक्लूड्स, देखो टोटल रन 110 थे, विच इंक्लूड थ्री बाउंड्रीज एंड 8 sixes, थ्री बाउंड्रीज एंड 8 sixes, देखो थ्री बाउंड्रीज यानी 3 × 4 12 रन यहाँ बन गए, एंड 8 sixes है तो 6 × 8 48 रन यहाँ बन गए, एंड इन ऑल यहाँ पर 60 रन बन गए, अपने कितने बन गए 60, गाइस टोटल रन उसने बनाए थे 110, उसमें से 60 यहाँ निकल गए, तो रिमेनिंग जो 50 रन बने, ये 50 रन उसने कैसे निकाले, बाय रनिंग बोल सकता है, एक दो रन वाला कंसेप्ट है। आगे देखो क्या लिखा था, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर
डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट. तो रनिंग बिटवीन द विकेट का मतलब जो रनिंग के थ्रू जो रन ले जाता ना, वो कितना परसेंट ऐसा आपको पूछा था. तो क्या सिंपल था, टोटल स्कोर था आपका 110, इसमें से बाउंड्री एंड सिक्स ये दोनों मिलाकर कितना स्कोर लिया अपन ने, 60. तो रनिंग बिटवीन विकेट बनेगा 50% के लिए करना पड़ेगा इनटू 100. ये 0-0 कैंसिल. आंसर क्या बनेगा, 5/11. एंड 5/11 गाइस ध्यान रखना, 1/11 इज नथिंग बट 9.09% बनता है. 1/11 क्या बताया, 9.09. सो 5/11 अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो 9.09 का 5 टाइम्स करना पड़ेगा. आंसर बनेगा 45.45, या तो फिर आप इसको 45 5/11 ऐसा भी लिख सकते हो. आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2. क्लियर. आइए आगे नंबर 14. इफ 50% ऑफ x माइनस y इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. अगेन ये भी क्वेश्चन और रेशियो वाला पैटर्न ही बनेगा. यहां पर भी आपको x एंड y का रेशियो ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि वैल्यूज दी हुई नहीं है. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेशियो अपन फिर परसेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम देखो, आसान सा कंसेप्ट है, 50% इज नथिंग बट 1/2. तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/2 ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 30% है, 30/100 इन ब्रैकेट x प्लस y. चलेगा. अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये 0-0 है कैंसिल कर देता हूँ, चलेगा ना. अब ये 0-0 मैंने कैंसिल कर दिया, और ये जो डिनोमिनेटर में 10 यहाँ लिखा हुआ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये 2 से 10 को डिवाइड के यहाँ पर आएगा 5. मैंने मेरे पास क्या बचा, 5 इन ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू 3x प्लस y. आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y. चलेगा ना. यहां से अपन एक काम करते हैं, x को ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, 5x माइनस 3x इट बिकम्स 2x इक्वल टू 3y प्लस 5y, ये हो जाएगा आपका 8y. यहां से x अपॉन y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4/1. सो गाइज मेरे को बताइए, x इज टू y इज इक्वल टू 4:1 है. इसका मतलब ये बनता है, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1. एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y x का कितना परसेंट है, कौन y x का कितना परसेंट है. तो y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 4, परसेंट के लिए आएगा 100. आंसर क्या बनेगा, 25, बिकॉज 1/4 इज नथिंग बट 25%. क्लियर. नेक्स्ट 15. इन एक्सप्रेसिंग द लेंथ 81.472 किलोमीटर एज नियरली एज पॉसिबल विथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड द परसेंटेज एरर. देखो सपोज 81.472 किलोमीटर ये डिस्टेंस था, इसको आपको लिखना है इन 3 डिजिट्स. कितने डिजिट्स, 3. अब 3 लिखना है तो देखो क्या होगा, 47 को अपन 50 के क्लोज बोल सकते हैं, 50 का मतलब होता 0.5. चलेगा. एंड 81.472 को लिखा जाता है 81.5, नियरली 3 डिजिट बोल दिया उसने, चलेगा. ठीक है. अब गाइस देखो क्या करना अपने को, उन्होंने पूछा था फाइंड द परसेंटेज एरर. क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने को, परसेंटेज एरर, कितना एरर ये फाइंड आउट करना है. अब अगर एरर फाइंड आउट करना था, आप क्या करो, ध्यान से देखो. एक्चुअली क्या हुआ, 81.5 इज नथिंग बट यहाँ 0-0 होता है, जीरो लिखते नहीं है, बट ये मीनिंग बनता है. एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं देखूँ तो 81.472 के जगह मैंने 81.500 लिख दिया, यानी मैंने वहाँ करेक्शन किया 0.028 का, बराबर है. और ये 0.028 का जो करेक्शन हुआ, जो एरर आया, वो एरर किस पर आया, 81.472 पर. और ये 0.028 का जो एरर आया हुआ है, इसके वजह से कितने परसेंट का एरर आएगा ये पूछा था, तो इनटू करना पड़ेगा मेरे को 100.
बच्चों अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो सोचो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, आप इससे ऐसा सॉल्व नहीं करोगे। ध्यान से देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वर्डिंग पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के राइट हैंड साइड में आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इक्वल है। तो मैं पॉइंट अगर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, 81472 पर चेंजेस हुए हैं 28 के, बराबर है। अब आपके फाइंड आउट करना है 81472 का कितना परसेंट है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब 81472 के ऊपर अपन वर्किंग करते हैं। अब मेरे को बताओ 81472 यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 10%, ठीक है। बट अगर यहाँ ना लगाते हुए मैंने अगर यहाँ पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा, 1%, ये क्या हो जाएगा, 1। बट सोचो अगर मैंने 81.472 ऐसा बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0.1%, बराबर ना। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, 8.1472 इक्वल टू 0.01%, चलेगा, यस ओके। अब देखो ये कितना है, 8 point something है, ये कितना है, 28 है, यानी 8.1% होता है वो 28 है। तो 8 का डबल ट्रिपल किया मैंने, सपोज देखो ना 0.03 ट्रिपल, तो 8 का ट्रिपल ये 24 point something आ जाएगा, वो 28 है ना, ठीक है। अगर और आगे बढ़ता हुआ 0.4 कर दिया तो मेरे को यार 32 point something करना पड़ेगा, बट ये 28 इन दोनों के गई तो बीच में आएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 0.03 to 0.04 के बीच में आएगा, एंड 0.03 to 0.04 के बीच का आंसर है 0.034। ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी है, एग्जैक्ट 0.34 भी आपको आंसर मिल सकता है, बट टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। इस तरह से कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्या दिया है आपको, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1600 इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अगेन जो थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन बना हुआ है। वैसा देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन अगर सही तरीके से वर्क करते हो तो आंसर ऐसे ही मिल सकता है, इसका 7.5% उसका 12.5% है, तो दोनों नंबर का जो रेशो आएगा ना वो सिंपली ये परसेंट के उल्टा आएगा, यानी 12.5 और 7.5, 12.5 7.5 का रेशियो बनता 5:3, तो आपका आंसर 5:3 के फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी नंबर में 5:3 का रेशियो, किसी भी ऑप्शन में 5:3 का रेशियो बना हुआ नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर नन ऑफ दिस। आप चेक करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना। सपोज पहला नंबर लिया मैंने एक्स, ये क्या होता है 7.5% ऑफ वन, तो 7.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाई, इसका 12.5% है, दोनों साइड में 100 100 कैंसिल, x अपॉन y इक्वल टू 12.5 अपॉन 7.5 इज इक्वल टू 5/3, सो x इज टू y का रेशियो 5:3, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1600, और x के रेशियो के फॉर्म में ये 5 है ये 3 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आता है 2 का, जिसकी वैल्यू है 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएंगी 800, तो 800 से मल्टीप्लाई करो, 8 into 5 8 5 40, 4000, 8 24, आपका आंसर आएगा 4024। है क्या ऑप्शन में कहीं पर, नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, क्लियर, यस। 17 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, अगेन बहुत आसान है, 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5, 4/5 इज नथिंग बट 80% बनता है, तो आप क्या करोगे 65% एंड 80%, तो गाइज मेरे को बताइए 65% एंड 80% इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनता है 15% का, कितना बनता है 15% का, एंड 15% की कीमत क्वेश्चन ने दी है 21, पूछा क्या था, व्हाट इज द नंबर, नंबर यानी कौन, 100% इज इक्वल टू हाउ मच, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रेशियो वाला कंसेप्ट भी चला सकते हैं,
रेशियो के हिसाब से क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो 5 आएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो 7, 5:7। तो ये 100 किसका 5 टाइम्स है, किसका 5 टाइम्स है, ये 20 का 5 टाइम्स है। तो 20 का 7 टाइम्स आंसर आएगा 140। कहाँ पर ये है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? यस। नेक्स्ट 18, एंड इंस्पेक्टर रिजेक्ट 0.08% ऑफ द मीटर एज डिफेक्टिव, 0.08% एज डिफेक्टिव, हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट टू, ऐसा क्वेश्चन है बोला है कि उसको दो रिजेक्ट करना है तो कितने एग्जामिन करना पड़ेगा, कितने चेक करना पड़ेगा, ऐसा आपको बोला गया था। आसान सा काम देखो, अगर वो 100 चेक करता है तो डिफेक्टिव निकलते 0.08। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर डिफेक्टिव 2 चाहिए तो उसने कितना वेरीफाई करना चाहिए, बराबर है। आपको इसको सॉल्व करना है तो अलग अलग ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एग्जांपल ये तो हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आता है। एक कंसेप्ट ऐसा बन सकता है, देखो तो 100 = 0.08। गाइज सोचो, अगर मैं पॉइंट में आगे शिफ्ट कर देता हूँ और मैं 0.8 लिख देता हूँ, मैंने 10 टाइम्स कर दिया, इक्वल टू इसका 10 टाइम्स 1000 हो जाएगा। यस नो? ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 कर दिया, अगेन 10 टाइम्स, तो अगेन 10 टाइम्स, इधर 10,000 आ गया। यानी 10,000 वेरीफाई किया तो 8 डिफेक्टिव निकलते हैं। आपको डिफेक्टिव चाहिए 2, तो चेक करना पड़ेगा, 8 × 2 = 1/2, तो इधर आएगा 2500, ये आपका आंसर बन जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी वही आंसर बनेगा, जो कंसेप्ट चलाना चला लीजिए, आंसर दोनों भी केसेस में क्या आएगा आपका 2500, ऑप्शन नंबर 3। 19, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, कुछ वैल्यूज परसेंट में है, कुछ डेसिमल में है, कुछ फ्रैक्शन में है, तो ये सबको आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो। परसेंट के हिसाब से ये ऑलरेडी 16 2/3% है, 2/15, 2/15 का देखो 1/15, 1/15 ऑलमोस्ट 6.66% होता है, ये 2/15 है, तो 6.66 का डबल वो 13 point something कुछ तो भी आएगा, यानी नियर अबाउट 12 या 13% के आसपास का कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आंसर बनेगा। 1/11 अप्रोक्सीमेटली 9% बनता है, 0.17 ये 17% बनता है, 2.2/5 देखो 2/5 होता है, ये परसेंट की साइन नहीं होती तो 40% होता, बट यहाँ परसेंट की साइन लगी हुई है तो ये 0.4% हो जाएगा। ये 0.4, ये 17, ये 9, ये 13, ये 16, विच इज द बेस्ट, 17, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, 16 2/3% ऑफ 600। गाइज 16 2/3 इज नथिंग बट 1/6 बनता है, सो 600 का 1/6 100 बनता है, 600 का 1/6 क्या बनता है 100। एंड आपको आगे क्या बोला था, 33 1/3% ऑफ 180, तो 180 का 33 1/3 इज नथिंग बट 1/3 बनता है, और 180 का 1/3 बनता है 60, ये माइनस करोगे आंसर कितना आएगा 40। क्लियर? यस। चलो ये होगा आपके 20 क्वेश्चंस। अगले सेशन में इसके आगे हम लोग फिर से अलग से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल होता है, जो लिंक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप ये लिंक को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह बनती हो, सारी पीडीएफ, सारी डिटेल्स, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और उसी का सारा डिस्कशन हम लोग अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू, आपके वीडियो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके साथ वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यस, इसी तरह के अगर आपको अलग अलग वीडियोस देखना है, अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जब भी कोई नया वीडियो अपडेट होता है उसके नोटिफिकेशन के लिए राइट हैंड साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। यस, ठीक है, थैंक यू।